नमस्कार, जेकेके न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। प्रथम स्थापना दिवस पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने आज 13 सूत्रीय मांगों को लेकर गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम दिया गया, जिसमें जिले की 13 सूत्रीय मांगे की गई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष सतीश चौहान की अगुवाई में आज यह शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष कृष्णकांत सिंह, केके सिंह, जिले के प्रधान महासचिव ठाकुर युवराज सिंह आलोक, सुरेंद्र प्रधान, लोकेश चौहान के अलावा सैकड़ों की संख्या में पूरे जिले के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ये ज्ञापन दिया गया, किसानों की समस्याएं हैं इसमें, पूरे जिले की, और आबादी की समस्या है इसमें किसानों की, रेहड़ी पटरी वालों की समस्या है और मजदूरों की है, मतलब पूरे ज़िले की ही समस्या है इसमें। नोएडा अथॉरिटी से लोग परेशान हैं, इसी वजह से अपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम। ऊपर से दिशा निर्देश तो पार्टी का यही है कि भाई पूरे क्षेत्र की समस्या का समाधान के लिए आप सभी को इकट्ठा करें और समाधान कराने का प्रयास करेंगे। जनसत्ता दल का स्थापना दिवस है, इसमें क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की समस्याएं हैं, विकास कार्य हैं, आबादी का है पूरे नोएडा, जो कि आबादी में नोएडा दर्ज हो गया है 64%, 10% 20 साल जमीन चली गई, आज तक 5% के प्लॉट ने दिए हैं। तो क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं सबका ज्ञापन देने आए थे डीएम साहब को, महामहिम राज्यपाल के नाम जो ज्ञापन दिया है। माननीय राजा भैया ने जो जिम्मेदारी दी है, सतीश जी ने जो जिम्मेदारी दी है, उसका आज से शुरुआत हो गई है। इस संघर्ष की शुरुआत है और जितनी भी मांगे हैं, फ्लैटों की हैं, किसानों की हैं, बेरोजगारों की हैं, और ये जो बीज वगैरह, किसानों का डीजल वगैरह जो महंगाई बढ़ रही है, इस सब के लिए ज्ञापन दिया गया है माननीय राज्यपाल महोदय के लिए, डीएम साहब के थ्रू। आज से संघर्ष की शुरुआत होगी, जिंदाबाद तरीके से पूरे क्षेत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। लड़ाई तो जारी है, आगे जैसे जैसे प्रधान नहीं मिलेगा, नोएडा से नहीं सुनेगी, लड़ाई इतना जारी रहेगा कि यहाँ के लोग देखेंगे कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, सतीश चौहान जिंदाबाद, आपको बता दें कि हाल ही में सतीश चौहान को गौतम बुद्ध नगर जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिले की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही सतीश चौहान ने तेज गति से इस पार्टी का जिले के अंदर जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है। इन दिनों बड़ी तादाद में पार्टी के साथ पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में सक्रिय सदस्य भी बनाए गए हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की इस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रथम स्थापना दिवस पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आज हम अपने बड़े भाई सतीश चौहान अध्यक्ष जी की तरफ से डीएम साहब के वहाँ लेटर लेके आए हैं, क्योंकि नोएडा के वासी हैं, अथॉरिटी ने रेडी पटरी वाले से लेके आम जनता, किसान बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं, और हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया राज्यपाल के नाम का कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो जी बैठकर धरना प्रदर्शन। धन्यवाद। जेकेके न्यूज की और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जेकेके न्यूज।